Okay, hi everyone. So, today let's uh, discuss one interesting problem. So, it says a source S and a detector D are placed at a distance small d apart. A big cardboard is placed at a distance under root 2d from the source and the detector as shown in figure. The source emits a wave of wavelength d by 2, which is received by the detector after reflection from the cardboard. इट इज़ फाउंड टू बी इन फेस विद द डायरेक्ट वेव received फ्रॉम द सोर्स By what minimum distance should the cardboard be shifted away so that the reflected wave becomes out of phase with the direct wave? Okay. So देखो इस तरह से हमें डायग्राम गिवन है ये हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड है ये हमारे पास डिटेक्टर है एंड दिस इज द पोजिशन ऑफ द कार्डबोर्ड राइट नव सोर्स ऑफ साउंड से जो साउंड वेव्स जनरेट होंगे वो डिटेक्टर तक जाएंगे एक जो वेव है वो डायरेक्टली सोर्स से डिटेक्टर तक जाएगा सो लेट से दिस इज वेव वन एंड एक वेव है जो कि पहले बोर्ड तक जाएगा एंड देन बोर्ड से रिफ्लेक्ट होने के बाद डिटेक्टर तक जाएगा सो लेट से वेव टू नव वेव वन एंड वेव टू का इंटरफेरेंस होगा एट द पोजिशन ऑफ डिटेक्टर राइट डिटेक्टर के पोजीशन पे दोनों साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस होगा नाउ इनिशियली जो दोनों साउंड वेव्स है वो सेम फेस में है राइट दैट इज गिवन नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस बाय विच दिस बोर्ड नीड टू बी शिफ्टेड सो दैट द टू वेव्स बिकम आउट ऑफ फेस हम क्या करते हैं इस बोर्ड को स्लाइटली शिफ्ट करते हैं लेट्स बाय सम डिस्टेंस एक्स सो व्हाट विल हैपन आप देखो जो वेव टू है उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा अभी वो इस तरह से जाएगा देन यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा एंड देन डिटेक्टर के पास जाएगा बट वेव वन का जो पाथ है वो इंटैक्ट है वो चेंज नहीं हुआ है बट वेव टू का जो पाथ है वो चेंज हो गया राइट सो दैट आप देखो इनिशियली जो दोनों वेव थी वो सेम फेस में थी कोई फेस डिफरेंस नहीं था ज़ीरो का फेस डिफरेंस था बट जब हमने बोर्ड को एक्स डिस्टेंस शिफ्ट किया तो कितने का फेस डिफरेंस आ गया पाई का फेस डिफरेंस है ना अपोजिट फेस में चले गए मीन्स पाई का फेस डिफरेंस आ गया और यू कैन से लेमडा बाई टू का पाथ डिफरेंस आ गया अभी आप देखो कि जो वेव वन है उसका जो पाथ है वो तो चेंज नहीं हुआ है तो पाथ डिफरेंस किसके कारण आएगा बिकॉज ऑफ द चेंज इन पाथ ऑफ वेव टू वेव टू का जो पाथ है वो चेंज हो गया सो so, कितना लेंथ चेंज हुआ है ना वेव टू के पाथ का कितना लेंथ चेंज हो गया दैट इज़ द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस दैट इज़ लैमडा बाई टू एंड लैमडा इज गिवन आप देखो वेव लेंथ कितना दे रखा है डी बाई टू है ना सो डी बाई टू लैमडा की जगह डी बाई टू पुट पुट कर दो तो डी बाई टू डिवाइडेड बाई टू सो ये कितना आ रहा है डी बाई फोर इट मीन्स वेव के पाथ में जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ डी बाई फोर सो लेट्स देखो इनिशियल इनिशियल कितना पाथ था ये अंडर रूट टू डी है ये है अंडर रूट टू डी और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा दिस डिस्टेंस विल बी डी बाई टू क्योंकि टोटल कितना है डी तो ये भी कितना हो जाएगा डी बाई टू राइट सो देखो ये लेंथ कितना हो जाएगा ये लेंथ होगा अंडर रूट टू डी इट्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू स्क्वायर और इसका रूट सो so, चेक करो कितना आ रहा है ये टू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर एंड इट्स रूट सो इट विल बी नाइन डी स्क्वायर बाई फोर दैट इज थ्री डी बाई टू राइट सो ये हो गया थ्री डी बाई टू और ये भी कितना हो जाएगा थ्री डी बाई टू सो इनिशियल कितना पाथ लेंथ था वेव टू का दैट वॉज थ्री डी बाई टू प्लस थ्री डी बाई टू सो ये कितना हो गया थ्री डी है ना थ्री डी हो गया नाउ जब आपने एक्स डिस्टेंस इसे शिफ्ट किया सो लेट से ये जो डिस्टेंस है ना ये है एक्स डिस्टेंस देन किस तरह से पाथ होगा वेव टू का वो पहले इस तरह से जाएगा यहाँ पे देन यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा देन डिटेक्टर के पास जाएगा समथिंग लाइक दिस सो अभी देखो ये लेंथ कितना हो गया दिस लेंथ इज अंडर रूट टू डी प्लस एक्स राइट और ये तो एज इट इज है दिस लेंथ इज डी बाई टू तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड आउट राइट अंडर रूट टू डी प्लस एक्स एट्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू डी बाई टू स्क्वायर एंड एट्स रूट देन अभी देखो जितना ये लेंथ है ये वाला लेंथ भी उतना ही होगा सो so, टोटल कितना लेंथ हो गया टू इंटू अंडर रूट ऑफ अंडर रूट टू डी प्लस एक्स एट्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर तो कितना पाथ में डिफरेंस आया इनिशियल कितना था थ्री और फाइनल कितना है दिस वन है ना ये फाइनल लेंथ है तो कितने का चेंज आया फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ दैट शुड बी इक्वल टू पाथ डिफरेंस कितने का पाथ डिफरेंस होना चाहिए हमने अभी बताया था लैमडा बाई टू है ना दैट इज डी बाय फोर सो दिस यू नो पाथ डिफरेंस इज नथिंग बट डी बाय फोर सो so, देखो ये जो थ्री है इसे इस तरफ ले जाओ तो ये थ्री प्लस हो जाएगा सो तो ये कितना हो गया ट्वेल्व और ये थर्टीन है ना सो थर्टीन डी बाई फोर और ये जो टू है इसे डिवाइड में भेजो तो ये फोर फोर से एट हो जाएगा दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ टू डी प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर सो एक काम करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से रूट कैंसल हो जाएगा और ये जो डी स्क्वायर बाय फोर है ये यहाँ पे माइनस में चला जाएगा ये सिंपल कैलकुलेशन में करता हूँ है ना ये आप खुद से भी कर सकते हो सो so, थर्टीन का स्क्वायर कितना होता है थर्टीन का स्क्वायर कितना होता है थर्टीन स्क्वायर इज वन सिक्सटी नाइन है ना ओके सो वन सिक्सटी नाइन डिवाइडेड बाई सिक्सटी फोर माइनस वन बाई फोर और ये हो गया डी स्क्वायर तो यहाँ पे ये सिक्सटीन हो गया और ये भी सिक्सटीन हो गया वन सिक्सटी नाइन माइनस सिक्सटीन कितना होता है लट्सी वन फिफ्टी थ्री ओके सो ये हो गया वन फिफ्टी थ्री डिवाइडेड बाई सिक्सटी फोर इंटू डी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट टू डी प्लस एक्स एट्स स्क्वायर है ना फिर एक काम करते हैं रूट ले लेते हैं तो पॉजिटिव आएगा बिकॉज पॉजिटिव आएगा है ना क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है दैट्स वाई आपको पॉजिटिव रूट लेना है और ये डी स्क्वायर से डी हो गया और ये रूट में आ गया सो अंडर रूट ऑफ 153 कितना होता है लेटमी सी ट्वेल्व पॉइंट थ्री सिक्स नाइन ओके सो ये हो गया ट्वेल्व पॉइंट थ्री सिक्स नाइन मीन्स थ्री सेवन ले लेते हैं डिवाइडेड बाई एट और ये डी राइट right? और माइनस अंडर रूट टू इंटू डी दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स सो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना ट्वेल्व पॉइंट थ्री सेवन माइनस एट अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई एट इंटू डी दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स है ना कैलकुलेशन है खुद से कर सकते हो सो आई थिंक यू हैव अंडर स्टोर लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ओके इसकी वर्किंग एट बेस्ट ऑफ लक